Hello learners, welcome to my channel. I am Prajibist. In this video we are studying Flamingo book chapter 7, the interview. Let's get started. Hum is video mein Flamingo book ka chapter 7 padhenge jiska naam hai the interview. Aur iske author hain Christopher Sylvester. Is chapter ko writer ne do parts mein divide kiya hai. फर्स्ट पार्ट में हमें इंटरव्यू के बारे में कुछ रिव्यूज़ मिलते हैं और सेकंड पार्ट में हमको एक इंटरव्यू देखने को मिलता है उम्बर्टो इको और मुकुंद पद्मनाभम के बीच में. रिव्यूई की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और इस पूरे टाइम में इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं और इस टाइम में तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. इस चैप्टर में पोएट ने इंटरव्यू के बारे में बताया है. इंटरव्यू के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव बताए हैं. पॉजिटिव तो ये हैं, इससे आपको एंटरटेनमेंट और कुछ सीखने के लिए मिलता है. और नेगेटिव ये हैं कि जिसका इंटरव्यू होता है उसकी प्राइवेट बातें पब्लिक हो सकती हैं. ऑथर बताते हैं जर्नलिज्म में इंटरव्यू आजकल आम बात हो चुकी है. आपको टीवी और हर जगह पे इंटरव्यू देखने को मिल जाएगा. और राइटर बताते हैं कि आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, लेकिन आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी इंटरव्यू तो देखा ही होगा. चलो अब हम इस चैप्टर का पार्ट वन स्टार्ट करते हैं. चैप्टर के पार्ट वन में राइटर ने कुछ बहुत फेमस राइटर्स और नोवेलिस्ट के व्यूज़ बताए हैं इंटरव्यू के बारे में. व्यूज़ ज़्यादातर नेगेटिव ही हैं. तो सबसे पहले नोवेलिस्ट हैं V.S. नायपॉल. ये एक बहुत ही फेमस ऑथर हैं और इनको लिटरेचर की फील्ड में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है. इनका जो व्यू है इंटरव्यू पे वो ये है, इसका इंटरव्यू हो रहा होता है उसको इससे बहुत नुकसान होता है. मतलब जब वो इंटरव्यू दे रहा होता है तब उनकी बहुत सी प्राइवेट बातें प्राइवेट नहीं रहती. सेकेंड है लुइस कैरोल. ये भी बहुत ही फेमस नोवेलिस्ट और ऑथर हैं. इनका कहना है कि इनको इंटरव्यूअर से डर लगता था और इनको एक और डर था कि इनको सेलिब्रिटी ना प्रोजेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो और ज़्यादा इंटरव्यूअर उनके पीछे आएंगे और उनका फेम बढ़ेगा और लोग उनसे ऑटोग्राफ लेंगे और इस पूरी प्रोसेस में उनकी प्राइवेट लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी प्राइवेसी का ब्रीफ होगा. थर्ड है रुडियार्ड किपलिंग. ये भी एक बहुत बड़े नोवेलिस्ट हैं. इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, और अगर आपने इनका नाम नहीं सुना तो जो इनकी क्रिएशन है उसको तो आपने देखा ही होगा. इनकी क्रिएशन जंगल बुक है. रुडियार्ड किपलिंग जंगल बुक के राइटर हैं. इनके इंटरव्यू के एक्सपीरियंस को उनकी वाइफ एक डायरी में लिखती हैं. वो बताती हैं कि कैसे दो रिपोर्टर्स की वजह से उनका पूरा दिन खराब हो गया था. और वो बोलती हैं कि ये एक सीरियस क्राइम है, जैसे कि दूसरे क्राइम्स होते हैं उसी तरह ये भी है, और इसके लिए भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए क्योंकि इन सब की वजह से ही नोवेलिस्ट की प्राइवेट बातें पब्लिक हो रही हैं. फोर्थ हैं एच.जी. वेल्स. और इनकी नोवेल तो आप क्लास 12th में पढ़ते ही हैं, द इनविजिबल मैन. एच.जी. वेल्स का भी एक्सपीरियंस इंटरव्यू को लेकर अच्छा नहीं है. ये इंटरव्यू को द इंटरव्यूइंग ऑर्डील कहते हैं. फिफ्थ हैं सॉल बेलो. वो बोलते हैं कि इंटरव्यू सीम्स लाइक थंबप्रिंट ऑन हिज विंडपाइप. अब हम पढ़ेंगे द इंटरव्यू का सेकंड पार्ट. इस चैप्टर का सेकंड पार्ट एक एक्चुअल इंटरव्यू है. ये इंटरव्यू है उम्बर्टो इको और मुकुंद पद्मनाभम के बीच, जिसमें मुकुंद एक इंटरव्यूअर हैं और उम्बर्टो वो हैं जिनका इंटरव्यू हो रहा है. मुकुंद द हिंदू के एडिटर हैं और उम्बर्टो एक फेमस इटालियन नोवेलिस्ट हैं. तो इस इंटरव्यू में मुकुंद उम्बर्टो से बोलते हैं कि आप इतने फेमस इटालियन नोवेलिस्ट हैं तो आपको नोवेल्स लिखने का टाइम कब मिलता है. तो इसमें उम्बर्टो बोलते हैं कि आपको अपनी लाइफ में कुछ एम्प्टी स्पेसेस को यूटिलाइज करना होता है. और उम्बर्टो ये बोलते हैं कि वो अपनी नोवेल्स को इन एम्प्टी स्पेस में लिखते हैं. फिर उम्बर्टो कहते हैं कि उनको अपने आप को एक टीचर, एक प्रोफेसर कहलाने में ज़्यादा अच्छा लगता है एक नोवेलिस्ट की जगह. वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ के 50 साल सिर्फ पढ़ाने में निकाले हैं. और ये एक नॉन फिक्सेस वर्ड था जहाँ वो इंटरेक्ट करते थे बच्चों के साथ, और जब वो नोवेल्स लिखते हैं
तो वो एक फिक्सेस चीज़ है। यहाँ आपको इमेजिनेशन करनी होती है किसी चीज़ की। वो बोलते हैं कि उन्हें नॉन फिक्शनल चीज़ों में रहना ज़्यादा पसंद है। जिस चीज़ को उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में किया है वो चाहते हैं कि उसी चीज़ से उन्हें जाना जाए। तो आपका चैप्टर हुआ ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।